अध्याय 10। श्री भगवान बोले, फिर से हे महाबाहु, तुम मेरे परम वचनों को सुनो। क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए तुम्हें बताता हूँ। ना मेरे आदि को देवता लोग जानते हैं और ना ही महान ऋषि जन, क्योंकि मैं सभी देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। जो मुझे अजन और अन्न आदि और इस संसार का महान ईश्वर जानता है, वह मूर्खता रहित मनुष्य इस मृत्यु संसार में सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, मोहित होने का अभाव, क्षमा, सत्य इंद्रियों पर संयम, मन की सैम्यता, सुख दुख होना और न होना, भय और अभय, प्राणियों की हिंसा न करना, एक सा रहना, एक सा देखना, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, प्राणियों के ये सभी अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। पूर्व काल में उत्पन्न हुए सप्त महर्षि, चार ब्रह्म कुमार और मन, ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं और उनसे ही इस लोक में यह प्रजा हुई है। मेरी इस विभूति और योग ऐश्वर्य को सार तक जानता है, वह अचल योग में स्थिर हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। श्री भगवान बोले, मैं ही सब कुछ आरंभ करता हूँ, मुझसे ही सब कुछ चलता है। ये मानकर बुद्धिमान लोग पूर्ण भाव से मुझे भेजते हैं। मुझ में ही अपने चित्त को बसाएं, मुझ में ही अपने प्राणों को संजोएं, परस्पर एक दूसरे को मेरा बोध कराते हुए और मेरी बातें करते हुए ये भक्त सदा संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही रमते हैं। ऐसे भक्त को सदा भक्ति भाव से परे मुझे प्रीतिपूर्ण ढंग से भजते हैं। उन्हें मैं वही बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त करते हैं। उन पर अपनी कृपा करने के लिए मैं उनके अंतकरण में स्थित होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए उनके अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक जलाकर नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही परम पवित्र हैं, आप ही दिव्य शाश्वत पुरुष हैं, आप ही हे विभु आदि देव हैं, अजम हैं, सभी ऋषि देवर्षि नारद असित व्याल व्यास जी आपको ऐसे ही बताते हैं। यहाँ तक कि स्वयं आपने भी मुझे यही कहा है। हे केशव, आपने मुझे जो कुछ भी बताया है उस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके व्यक्त होने को ना देवता जानते हैं और ना ही दानव, स्वयं आप ही अपने आप को जानते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे जगपति, आप जिन जिन विभूतियों से इस संसार में व्याप्त होकर विराजमान हैं, मुझे पूरी तरह अपनी दिव्य आत्मभूतियों का वर्णन कीजिए। हे योगी, मैं सदा आपका परिचिंतन करता हुआ किस प्रकार आपको जानूं? हे भगवान, मैं आपके किन किन भावों में आपका चिंतन करूं? हे जनार्दन, आप अपनी योग विभूतियों के विस्तार को फिर से मुझे बताइए, क्योंकि आपके वचन रूपी इस अमृत का पान करते अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। श्री भगवान बोले, मैं तुम्हें अपनी प्रधान प्रधान दिव्य आत्म विभूतियों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। मैं आत्मा हूँ। हे गुणाकेश, सभी जीवों के अंतकरण में स्थित मैं ही सभी जीवों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतिषों में किरणों से युक्त सूर्य हूँ, मरुतों में से मैं मरीच हूँ और नक्षत्रों में शशि, वेदों में मैं सामदेव हूँ, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मैं मन हूँ और जीवों में चेतना, रुद्रों में मैं शंकर हूँ और यक्ष एवं राक्षसों में कुबेर हूँ, वसियों में मैं अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में मेरु हूँ। हे पार्थ, तुम मुझे पुरोहित में मुख्य बृहस्पति जानो, सेनापतियों में मुझे स्कंध जानो और जलाशयों में सागर, महर्षियों में मैं भृगु हूँ, शब्दों में मैं एक ही अक्षर ओम हूँ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ और ना हिलने वालों में हिमालय हूँ, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ और देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं भगवान कपिल मुनि, सभी घोड़ों में से मुझे तुम अमृत के लिए किए सागर मंथन से उत्पन्न औचे श्रव समझो, हाथियों का राजा एरावत समझो और मनुष्य से मनुष्य का राजा समझो, शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं कामधुक, प्रजा की बढ़ोतरी करने वालों में कंदर और सर्पों में मैं वासुकी हूँ, नागों में मैं अनंत और जल के देवताओं में वरुण हूँ, पितरों में आर्यमा हूँ और नियंत्रण करने वालों में यमदेव,
दैत्यों में मैं एक भक्त प्रहलाद हूँ, परिवर्तनशीलों में मैं समय हूँ, हिरणों में मैं उनका इंद्र अर्थात शेर हूँ, और पक्षियों में वैंते, पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ, शास्त्र धारण करने वालों में श्री भगवान राम हूँ, मछलियों में मैं मकर हूँ और नदियों में जाह्नवी। सृष्टि का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ अर्जुन, सभी विद्याओं में से अध्यात्म विद्या मैं ही हूँ, और वाद विवाद करने वालों के वाद में तर्क मैं ही हूँ। अक्षरों में ओ मैं हूँ, मैं ही अंतहीन काल हूँ, मैं ही धाता हूँ, मैं ही विश्व रूप हूँ, सब कुछ हर लेने वाली मृत्यु भी मैं हूँ, और भविष्य में उत्पन्न होने वाले जीवों की उत्पत्ति मैं हूँ। नारियों में कीर्ति, श्री, वाक शक्ति, स्मृति, मेधा और क्षमा भी मैं हूँ। गाए जाने वाली श्रुतियों में मैं भृत साम हूँ, और वैदिक छंदों में गायक, महानों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ, और ऋतुओं में कुसुमाकर, छल करने वालों का जुआ मैं हूँ, और तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। मैं ही विजय, मैं ही सही निश्चय, सही मार्ग हूँ, मैं ही सात्विकों का सतत्व हूँ। वैष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, और पांडवों में धनंजय, मुनियों में मैं भगवान व्यास मुनि हूँ, और सिद्ध कवियों में मैं उष्णा कवि हूँ। दमन करने वालों में दंड नीति मैं हूँ, विजय की इच्छा रखने वालों में न्याय मैं हूँ, गोपनीय बातों में मौनता मैं हूँ, और ज्ञानियों का ज्ञान भी मैं हूँ। जितने भी जीव हैं इस दुनिया में अर्जुन, उन सबका बीच मैं हूँ। ऐसा कोई भी चर अचर जीव नहीं है जो मेरे बिना हूँ। मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है हे परंतप, मैंने अपनी इन विभूतियों की विस्तार तुम्हें केवल कुछ उदाहरण देकर ही बताया है। जो कुछ भी विभूतिमय है, सत्वशील है, श्रीयुक्त है अथवा शक्तिमान है, उसे तो मेरे ही अंश के तेज से उत्पन्न हुआ जानो, और इसके अतिरिक्त बहुत कुछ जानने की तुम्हें क्या आवश्यकता है हे अर्जुन। मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से प्रवेश करके स्थिर करता हूँ।